तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 1819 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको बताना है कि स्टेशनरी कंज्यूम कितना हुआ। सेम क्वेश्चन है। चलिए इन्फॉर्मेशंस एक दो तीन सात इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है। साफ लग रहा है कि केस टू है जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दिया होता था। चलिए तो इसमें एक बेस पॉइंट दिया होगा, तीन को प्लस वाला आइटम दिया होगा, तीन को माइनस वाला आइटम दिया होगा। याद कीजिए कॉन्सेप्ट, देख रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम केसेस है, ये मैक्सिमम केसेस था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1 2018 स्टॉक दिया हुआ, 1 अप्रैल 2018 को दिया हुआ है और दूसरा बना कभी रहे 2018-19 का बना रहे हैं, मतलब इसका एंडिंग डेट कभी होगा 31 मार्च 2019। इसका मतलब 1 अप्रैल 2018 क्या हो गया, आपका ओपनिंग हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। क्रिएटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये क्या हो गया आपका, ओपनिंग क्रिएटर हो गया। ठीक है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 17-18 लास्ट ईयर का एडवांस हो गया, तो ओपनिंग एडवांस हो गया। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हमने करंट ईयर में पेमेंट किया, ये बेस हो गया आपका, बेस बना लेंगे इसको। क्रिएटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, क्रिएटर्स आपका है स्टेशनरी का, तो ये क्लोजिंग क्रिएटर्स हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2019, ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग एडवांस हो गया। ठीक है, चलिए तो लॉजिक में बताया था पहले हम लोग का, क्या बताया था लॉजिक में, हम लोग बताए थे आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। सेकेंड केस में क्या बताए थे हम, क्लोजिंग क्रिएटर को प्लस करते हैं और ओपनिंग क्रिएटर को माइनस। ठीक है, तो क्लोजिंग क्रिएटर को प्लस कर लीजिए, तो क्लोजिंग क्रिएटर कौन सा है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ये था, तो क्लोजिंग क्रिएटर को प्लस कर लीजिए और ओपनिंग क्रिएटर को माइनस। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या था, एडवांस एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग वाले एडवांस को प्लस करते हैं और एंड वाले एडवांस को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, फिर बात वही कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए। चलिए एडवांस एट द बिगिनिंग को हम प्लस करते हैं और एट द एंड को माइनस। चलिए तो एडवांस एट द कहाँ गया, एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस, तो एडवांस एट द बिगनिंग मतलब ओपनिंग एडवांस को प्लस और इसको माइनस। ठीक है, तो इतना प्लस हुआ इतना माइनस हुआ, इसको बेस बना लेंगे। चलिए तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 10,800। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तीन आइटम और लेस करेंगे तीन आइटम। ऐड क्या क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, सॉरी फिर से क्लोजिंग क्रिएटर को प्लस ओपनिंग क्रिएटर को माइनस, तो क्लोजिंग क्रिएटर और यहाँ पे ओपनिंग क्रिएटर्स। फिर से क्या था, ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं प्लस और क्लोजिंग एडवांस को माइनस, तो ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, चलिए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस, ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना 3,000, क्लोजिंग क्रिएटर प्लस, क्लोजिंग क्रिएटर प्लस कितना 1,300, ये ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस प्लस 200। ठीक है, इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, जो आएगा उसे माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ये है 500। ओपनिंग क्रिएटर को माइनस करेंगे, ओपनिंग क्रिएटर को माइनस करेंगे 2,000। ठीक, फिर क्लोजिंग एडवांस को माइनस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस को माइनस करेंगे कितना 300, तो 3,4,7,500। ठीक है, और लेस कितना हो जाएगा इसमें से 2,800, तो प्लस करेंगे 10,000 तो 15,300 माइनस हो जाएगा 2,800, 15,300 माइनस 2,800 12,500, कितना आंसर है 12,500 आंसर है। ठीक है, 12,000 स्टेशनरी कंज्यूम 1819, 12,500 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो हमने निकाल दिया। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट 10,100, ये आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, इसके लिए नहीं बताएं।
अगर चाहिएगा तो आपको हम रेगुलर क्लास में बता देंगे, ठीक है? अभी नहीं बता रहे कि मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया तो क्यों निकालें हम, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे आंसर देख के। हम लोग तो आंसर दे काम करते नहीं, हम लोग तो क्वेश्चन दे काम करते हैं, ये बता देते नो डाउट, लेकिन बताने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा सर से कहाँ हिंट किया बताओ, और कन्फ्यूज़ हो जाइएगा आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। इसके लिए ये कॉन्फिडेंस दिखाइए कि क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं तुम क्यों आंसर निकालेंगे, ये ऐसे दे दिया है। खाली पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, तो स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 12,500 आंसर निकाल दिया, वो पूछा ही नहीं तुम क्यों निकाले। अगर निकाल देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमेशा डरने लगेगा कि नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं जो किताब में आंसर दिया हुआ गलत दे दिया है, इसको दे नहीं देना चाहिए था, अगर देता यहाँ पर तो यहाँ पर पूछना चाहिए था, ठीक है? इसलिए तो इसको काट कट कर दिए, समझे क्यों कट किए? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, केस टू था ये वाला, और केस टू को अगर रिवीजन कर लिए हैं तो बहुत ईजी था, ठीक? तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो हम बना देते हैं, ऐसे तो बना ही दिए हैं।